नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लहसुन का। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, जान लेते हैं लहसुन की भाव आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेंगे तथा लहसुन में क्या तेज़ी मंदी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए पूरी रिपोर्ट और अभी जो दिल्ली में जो लहसुन रिटेलर में क्या भाव बिक रहा है उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, जो दिल्ली सरकार द्वारा जो लहसुन का न्यूनतम मूल्य जो ठेले वाले हैं वो बेच रहे थे, तो वो अंधाधुन जो भाव के पैसे ले रहे थे, 200, 400, 250, 300 जो भी उनकी मर्जी पड़े, जो पैसे ग्राहक से एड रहे थे और 200-300 रुपए किलो बेच रहे थे। उसके हिसाब से तो फिर वहाँ की जो दिल्ली सरकार ने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेते ही लहसुन के भाव मिनिमम 145 रुपये तय किया है, जो 145 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप दिल्ली में ठेले वाले को बेचने के लिए निर्देशित किया गया। तो ये थे किसान भाइयों दिल्ली के लिए पूरी रिपोर्ट। और उसके साथ ही जो दूसरी बात है, आने वाले जो दिनों हैं जैसे ही मंडियाँ खुलेगी, लॉकडाउन मान लो समाप्त हो जाता है तो मंडियाँ खुलेगी तो भाव में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। तेज़ी क्यों रहेगी, इसका भी एक कारण है किसान भाइयों की, जैसे ही मंडियाँ खुलेगी तो व्यापारियों के पास सारा स्टॉक उस समय तक लगभग समाप्त हो जाएगा, तो उनको भी एक स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो और साथ में ही जो छोटे मोटे किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं या अन्य जो गुजरात से या महाराष्ट्र या तमिलनाडु से जो भी व्यापारी बंधु हैं उनको भी अभी काफ़ी लहसुन की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र से भी वो व्यापारी स्टॉक के लिए माल खरीदने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए लहसुन में भाव में कोई मंदी तो नहीं देखने को मिलेगी। जो अभी रिटेलर में लास्ट समय में जो 21 मार्च को भाव देखने को मिले थे उसी से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर जैसे ही धीरे धीरे ज़्यादा व्यापारियों को आना हो जाएगा या ज़्यादा छूट दी जाएगी तो लहसुन के भाव में फिर से एक बार अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये थी किसान भाई में एक सामान्य जानकारी, जो रिपोर्ट लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है और लहसुन का भाव किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये हमारे एक विश्लेषण के अनुसार हमने एक जो सामान्य रिपोर्ट दी है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान पूछ भी रहे हैं कि भाई कमेंट्स के द्वारा कि आने वाले दिनों में लहसुन के भाव क्या तेज़ रहेंगे या मंदे रहेंगे। तो लहसुन के भाव इससे कम नहीं होंगे और मीडियम लगभग चलते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे, और लॉकडाउन अगर जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लहसुन में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंडियाँ जो खुलेगी तो वो एक लिमिट समय के लिए ही खुलेगी और उसमें जो लिमिट किसानों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा, जिसमें पास बनेगा और पास के आधार पर वही लहसुन बेचने के लिए अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए जितना लहसुन आगे आवश्यकता होगी मांग के अनुसार उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पाएगी और जल्दी जल्दी माल मार्केट में नहीं निकल पाएगा और निर्यात भी नहीं चालू हो पाएगा, तो फिर लहसुन के भाव इतना मार्केट में नहीं पहुंचने से लहसुन के भाव बढ़ने की तो संभावना है। तो साथ ही लहसुन में तेज़ी लगभग देखने को मिलती रहेगी और जो भी जो भाव है 8 से 9 हज़ार रुपये वो तो लगभग रहेगा ही रहेगा किसान भाइयों। तो ये थी एक लहसुन पे सामान्य जानकारी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।